यूपी में किफायती खर्च में घर घर जल, हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने में अन्य राज्यों में किफायती यूपी। यूपी में 80% सोलर बेस्ड योजनाएं होने से कारगर है योजना। विंध्य बुंदेलखंड में लगभग 98% इलाकों में नल कनेक्शन के साथ हर घर पहुंच गया जल। मात्र 59,000 रुपए में हर परिवार तक नल से जल पहुंचा रही योगी सरकार। जल जीवन मिशन में अन्य राज्यों के लिए मॉडल बना उत्तर प्रदेश। कई अन्य बड़े राज्यों की तुलना में आधे से भी कम कीमत में लगा कनेक्शन। कर्नाटक में 86,000, महाराष्ट्र में 62,601 और मध्य प्रदेश में 75,000 रुपए तक आया खर्च। विंध्य बुंदेलखंड के 90% से अधिक गांवों में पहुंच रहा स्वच्छ पेयजल। योगी सरकार की पारदर्शी नीतियां कारगर। यूपी ने सबसे किफायती खर्च में आम जन तक नल कनेक्शन पहुंचाया है। इसके पीछे एक तरफ योगी सरकार की पारदर्शी नीतियां कारगर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यहां की भौगोलिक स्थिति भी बड़ा कारण रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 80% से अधिक सोलर बेस्ड योजनाएं होने से भी ये काफी कारगर रही है। सोलर की वजह से मेंटेनेंस कास्ट कम आई है, इस लिहाज से हर घर नल, नल से जल के वितरण में डबल इंजन सरकार का यूपी मॉडल काफी लोकप्रिय हो रहा है। कह सकते हैं कि अन्य विशेष राज्यों की तुलना में ये सर्वश्रेष्ठ है। बता दें कि डबल इंजन सरकार की नीतियों की बदौलत हर परिवार तक नल कनेक्शन पहुंचाने में लगभग 59,000 रुपए लगे हैं, जबकि अन्य राज्यों में कम कनेक्शन पर भी खर्च होने वाली राशि यूपी में बहुत अधिक रही है। किफायती खर्च में यूपी की प्रगति के ये रहे कारक। यूपी ने सबसे किफायती खर्च में आम जन तक नल कनेक्शन पहुंचाया है। इसके पीछे एक तरफ योगी सरकार की पारदर्शी नीतियां कारगर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहां की भौगोलिक स्थिति भी बड़ा कारण रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 80% से अधिक सोलर बेस्ड योजनाएं होने से भी ये काफी कारगर रही है। सोलर की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट कम आई है। भविष्य में सस्ती सप्लाई का रोडमैप तैयार। उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में सबसे सस्ते पानी की आपूर्ति के लिए तेजी से चल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहां लगभग 80% योजनाएं सोलर पर निर्भर हैं। इससे बिजली का खर्च कम हो जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और जल पहुंचाने के लिए लगभग 32,930 योजनाएं सोलर बेस्ड चल रही हैं। शेष 40,591 योजनाओं को बिजली से चलाया जा रहा है। सोलर बेस्ड परियोजना से 2,23,66,237 परिवारों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है, जबकि बुंदेलखंड से 36,65,080 परिवारों को जल मुहैया कराया जा रहा है। विंध्य बुंदेलखंड में नहीं हुई पानी की किल्लत। बता दें कि विंध्य और बुंदेलखंड में पानी पहुंचाना योगी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संजीदगी का ही असर रहा है कि विंध्य बुंदेलखंड में लगभग 98% इलाकों में नल कनेक्शन के साथ हर घर जल पहुंच गया है। आजादी के बाद गुजरा वर्ष विंध्य बुंदेलखंड के लिए 2024 ऐतिहासिक रहा। गर्मियों में पीने के पानी के लिए त्राहिमाम करने वाले विंध्य बुंदेलखंड में इस गर्मी में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं रही। पीने के पानी को लेकर न प्रदर्शन दिखा और न ही टैंकरों का जमावड़ा दिखा।
इसका कारण जल जीवन मिशन के तहत इस क्षेत्र में गांवों में पानी की समुचित जलापूर्ति थी। चुनावी साल होने के बावजूद पानी कोई भी मुद्दा नहीं रहा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।